नमस्कार, मैं हूं अवनी चौधरी और आप देख रहे हैं अर्थप्रकाश टीवी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला लॉकडाउन 25 मार्च 2020 को राष्ट्रव्यापी स्तर पर लगाया, जो कि पहली बार 21 दिनों के लिए लगाया गया था। इसी के साथ अगर बात की जाए तो ये कुछ टाइम बाद यानी जुलाई 2020 में इसका कहर बरपना थोड़ा कम हुआ। इसी के साथ फिर कुछ टाइम बाद साल 2021 में मार्च में कोरोना की दूसरी लहर आई, जो डेल्टा प्लस के नाम से जाना जाता था। इसके बाद अब हम बात करें, तीसरी लहर की आशंका भी जताई जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि जिसको नाम दिया गया है ओमिक्रॉन 1.1 B.1.1.529। इसी के साथ आज हम बात करने आए हैं लोगों से, जनता से, उनकी क्या कुछ राय है, क्या चंडीगढ़ में लॉकडाउन लगाना चाहिए तीसरी लहर पर नियंत्रण करने के लिए, या फिर लोगों को मास्क लगाने से इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इन ऐसे अनेक मुद्दों पर हम लोगों से जानकारी लेंगे। आइए बात करते हैं जनता से, क्या कुछ कहना है उनका। सर, आपका नाम? देवराज। देवराज जी, जैसे कि आपको पता है तीसरी लहर आने की आशंका जताई जा रही है। अगर बात की जाए पहले कोरोना काल की, जब बेरोजगारी से काफी बढ़ गया था, तो क्या आप लॉकडाउन लगाने के पक्ष में हैं? नहीं, ऐसा ना हो, सबके उसके व्यसन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम गरीब आदमी हैं, सब इसी से रोटी खाते हैं, आप काम करके। अगर ऐसा होगा तो मुश्किल हो जाएगा, फिर हमारी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। चंडीगढ़ में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, जिसका समय है 10 बजे से सुबह 5 बजे तक। तो क्या आपको लगता है कि ये कर्फ्यू लगाना सही रहेगा? इससे क्या कोरोना नियंत्रण में किया जा सकता है? रात को तो कोई चलता भी है नहीं, और ऐसे भी लोग 10 बजे से पहले जो करना है, डिप्टी करना है, जाना है, वो 10 बजे से पहले कर लेते हैं। इस वक्त हम मौजूद है सेक्टर 22 की मार्केट में, कपड़ों की शॉप पर, जहां पर हम दुकानदारों से जानेंगे कि क्या वो लॉकडाउन लगाने के पक्ष में है या नहीं। सर, आपका नाम? प्रवीण कुमार जी, जैसे कि आपको पता है कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका जताई जा रही है, क्या आपको लगता है लॉकडाउन लगाना ही इसका एक आखिरी सहारा है? मैम, लॉकडाउन से कुछ भी नहीं होगा, जो भी है सुरक्षा जरूरी है। आपको क्या लगता है कि जैसे सोशल डिस्टेंसिंग रखना या फिर मास्क लगाने से पब्लिक बच सकती है? बिल्कुल बच सकती है। जी सर, आपका नाम? हरिदर्शन। हरिदर्शन जी, आपको क्या लगता है कि अब जैसे तीसरी लहर आने की आशंका जताई जा रही है, तो उसके चलते अगर दुकानों को बंद कर दिया जाए या फिर कर्फ्यू लगा दिया जाए, तो उसको नियंत्रण किया जा सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है। जब कोरोना काल की पहली लहर आई थी, तब भी दुकानों को, सभी जो भी मार्केट है उसको बंद कर दिया गया था, जिसके कारण हमारा जो बजट है, इकोनॉमिक है भारत की, वो उसका दर काफी नीचे जा चुका था। तो आपको क्या लगता है? मैडम, लॉकडाउन नहीं, सख्ताई करो, मास्क लगाने और करने ही, सोशल डिस्टेंसिंग ये बढ़ानी चाहिए, प्रशासन को हर एक जगह सेक्टर में जैसे बीट बूथा उनको दिया जाना चाहिए कि मास्क वगैरह लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग करें। शाम को 5 बजे से ही यहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया जाता है, क्योंकि उनके कारोबार पर भी असर देखने को मिलता है। इसी के साथ हम आम जनता से भी बात करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है, आइए जानते हैं। मैम, आपका नाम है ना? छोटी जी, आप कहाँ से हैं? चंडीगढ़ से हैं। क्या आप कोरोना काल में लॉकडाउन लगने के कोरोना पर मास्क लगाने से, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने से कोरोना पर नियंत्रण पाया जा सकता है? हाँ, पाया जाता है, जा सकता है, पर जैसे कि लॉकडाउन लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है लोगों पे, बहुत ज़्यादा। जैसे कि गरीब जनता है, यहाँ पे 80% लोग होंगे जिन्होंने बोनी भी नहीं किया है, अब बंद करने का वो कर रहे हैं, अभी बंद करेंगे, घर जाके क्या खाएंगे? तो जैसे कि शाम को 5 बजे के बाद यहाँ पे सभी मार्केट बंद कर दी जा रही है, तो क्या लगता है आपको इससे जो कोरोना के केसेस हैं वो कम होंगे? मैम, 5 बजे के बाद ही कोरोना आएगा, सुबह से नहीं आएगा कोरोना, ये बताओ। अगर आना होगा तो सुबह से ही आएगा, या शाम के बाद खत्म हो जाएगा कोरोना। अभी तो लोग घूम रहे हैं, कोई मास्क के बिना घूम रहा है, कोई मास्क लगा के घूम रहा है, कोई वैक्सीन लगी है, वैक्सीन के बाद क्या था? ये तो आपने दोनों डोज लगवाई हुई है? हाँ जी, लगा ली है। आप सरकार से फिर क्या गुहार लगाना चाहिए, तीसरी लहर को रोक भी लिया जाए और आपके जो बजट पर कोई ज्यादा असर भी देखने को ना मिले? हाँ देखो, जैसे कि हाँ जी, मैंने चलता रहे, चेंजिंग रखे, मास्क लगाए,
लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए। जो भी आपके पास कस्टमर्स आते हैं क्या वो मास्क का पालन करते हैं और सैनिटाइज यूज करते हैं? हाँ जी हाँ जी, उनके पास में होता है और मास्क लगा के आते हैं, बिना मास्क तो हम खड़े भी नहीं होने देते जी। ठीक है सर, आपका नाम? जैसे कि आपको पता ही होगा कोविड की तीसरी लहर आने की आशंका जताई जा रही है, पूरी लॉकडाउन लगा रहे हैं, इसका एक आखिरी सहारा है? लॉकडाउन लगाना आखिरी सहारा नहीं है, मैं बाहर से आया हूँ, कैलिफोर्निया से आया हूँ, वहाँ लॉकडाउन लगाते हैं, लेकिन जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, जो लोग काम करते हैं, जिनकी डेली लाइफ जो बेस्ड है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी, उन्होंने अपना घर चलाना है, उनके लिए लॉकडाउन जरा बहुत ही उसको उनके जीवन को प्रभावित करता है। इन सब चीज़ों को देखते हुए लॉकडाउन ऐसा लगना चाहिए, काम भी चलता रहे और लोग पूरे प्रिकॉशंस भी लें और उनका जीवन भी चलता है। अगर बात करें कर्फ्यू की तो शाम के 5 बजे के बाद सारी मार्केट बंद हो जाती है, वहीं रात को 10 बजे से लेकर 5 बजे तक पूरा चंडीगढ़ बंद रहता है, यानी घर से बाहर निकलने के लोगों को इजाजत नहीं है, तो क्या इससे नियंत्रण पाया जा सकता है? 10 बजे से 5 बजे तक रात को पता नहीं कितने लोग, मुझे यहाँ का बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन दिल्ली में भी ऐसा ही है, चंडीगढ़ में भी ऐसा ही है, रात को कर्फ्यू लगाना मुझे नहीं पता कि रात को कर्फ्यू लगाने से कितना फ़ायदा है, लेकिन दिन के हिसाब से ठीक है कि दिन को काम हो और रात को लोग आराम। जैसे कि आपने सुना होगा लोगों का कहना है कि लोग कर्फ्यू लगे लेकिन 10 से 5 बजे के टाइम में ही लोगों का कहना है कि क्या कोरोना उसी वक्त एंटर करता है, या फिर यहाँ पे कुछ हमने और भी बात की है जो यहाँ के व्यापारी हैं इस मार्केट के, उनका कहना है कि लॉकडाउन लगाया जाए लेकिन इस तरीके से लगाया जाए कि उनका काम भी चलता रहे और आम जनता को ज़्यादा बेरोजगारी का सामना भी ना करना पड़े। ऐसे कुछ अहम खबरों को जानने के लिए बने रहिए प्रकाश टीवी पर। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।